सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे का आखिरी मुकाबला सीरीज डिसाइडर मुकाबला 17 जुलाई को खेला जाएगा। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का यह तीसरा ओडीआई होगा, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला ओडीआई टीम इंडिया ने 10 विकेटों से जीता था, जिसमें बुमराह ने 6 विकेट लिए थे और कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन नाबाद बनाए थे। लेकिन दूसरे ओडीआई में इंग्लैंड की टीम ने जबरदस्त वापसी की। तेज गेंदबाज रिस टॉपले ने 6 विकेट लेकर टीम इंडिया की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया और इंग्लैंड की टीम ने दूसरे ओडीआई में 100 रनों से बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में 1-1 की बराबरी पर खड़ी इस सीरीज का तीसरा ओडीआई काफी रोमांचक साबित होने वाला है और जो भी टीम इस मैच को जीतेगी ऑब्वियसली सीरीज उनके नाम होगी, ट्रॉफी उनके नाम होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल ओडीआई मैच के लिए दोनों टीम की प्लेइंग 11 बताने वाले हैं कि आखिर दोनों टीम कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाली है, क्या कुछ यहां पर बदलाव होंगे। साथ ही हम यहां पर बात करेंगे पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट और दोनों टीमों के बीच की रिकॉर्ड्स की। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज डिसाइडर 17 जुलाई रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जो कि पहले दो ओडीआई के विपरीत भारतीय समय अनुसार दोपहर को 3:30 से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे ओडीआई में इंग्लैंड द्वारा मिले 247 रनों के टारगेट को चेस करते हुए सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद नंबर 3 पर आए चेस मास्टर विराट कोहली ने अपना खराब फॉर्म जारी रखा और 25 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने मैच में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी इंग्लैंडी गेंदबाजों ने आउट कर दिया और फिर टीम इंडिया मैच में वापसी नहीं कर पाई। 146 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ऐसे में दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि विराट कोहली का हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं है और उनकी जगह जो बाहर बैठा है, जो खिलाड़ी फॉर्म में है दीपक हुड्डा या श्रेयस अय्यर, उन्हें 11 में शामिल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तीसरा ओडीआई भारत को जीतना होगा अगर सीरीज उन्हें जीतनी है तो। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर जब दूसरे ओडीआई के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया, विराट कोहली की फॉर्म को लेकर उनकी जगह को लेकर सवाल पूछा गया, तब रोहित शर्मा ने यहां पर करारा जवाब दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा ने कहा कि कोहली ने इतने सारे मैच खेले हैं, वो इतने सालों से खेल रहे हैं, वो इतने महान बल्लेबाज है, इसलिए उन्हें किसी आश्वासन की जरूरत नहीं है। रोहित ने आगे कहा कि फॉर्म ऊपर नीचे जाता है, ये किसी भी क्रिकेटर के करियर का हिस्सा और पार्सल है, तो उनके जैसा खिलाड़ी जो इतने सालों से खेल रहा है, जिसने इतने रन बनाए हैं, जिसने इतने सारे मैच जीते हैं, उसे केवल 1 या 2 अच्छी पारियां चाहिए वापसी करने के लिए। ये मेरी सोच है और मुझे यकीन है कि क्रिकेट को फॉलो करने वाले सभी लोग ऐसा ही सोचेंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा के इस करारे जवाब से ये लगभग पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि टीम विराट कोहली को बैक करेगी और तीसरे ओडीआई में उनकी जगह को लेकर कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा ओडीआई 1 महीने के ब्रेक से पहले विराट कोहली का आखिरी मैच होगा, उसके बाद विराट कोहली सीधा एशिया कप में वापसी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे ओडीआई के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालें। उससे पहले यहां पर पिच की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर की पिच में अच्छी उछाल है और गेंद कैरी करती है और इस बार मौसम भी गेंदबाजों के पक्ष में रहेगा। हालांकि एक अच्छी बल्लेबाजी पिच भी है, जहां पर कुछ हाई स्कोरिंग मैच भी हुए हैं। दोस्तों, यहां पर पिच के रिकॉर्ड्स की बात करें तो टीम इंडिया ने इस पिच पर अब तक कुल 11 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 मैच जीते हैं जबकि 6 मैच हारे हैं। दोस्तों, बता दें कि ये उसी मैदान में मैच खेला जाएगा जहां पर साल 2019 विश्व कप का सेमीफाइनल भारतीय टीम ने हारा था। दोस्तों, यहां पर इंग्लैंड टीम के रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने इस पिच पर अब तक कुल 42 मैच खेले हैं, जिसमें से 27 मैच जीते हैं जबकि 14 मैच हारे हैं। इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड के नाम है, जो कि 396 रन है। इस पिच पर भारतीय टीम का हाईएस्ट स्कोर 336 रन है। दोस्तों, इस पिच पर भारतीय टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रोहित शर्मा है, जिन्होंने की 159 रन बनाए हैं, तो वहीं हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा के नाम ही है, जिन्होंने 140 रन बनाए हैं। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, 17 जुलाई को मैनचेस्टर में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना बहुत ही कम है। अब दोस्तों, तीसरे ओडीआई के लिए दोनों टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो जैसे कि दोस्तों रोहित शर्मा ने संकेत दिए हैं, विराट कोहली की जगह को लेकर कोई भी यहां पर छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो विराट कोहली तीसरे ओडीआई में प्लेइंग 11 में बने रहेंगे। हालांकि दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा पिछले दो ओडीआई में कुछ खास प्रभावित नहीं कर सके हैं, उल्टे वो महंगा साबित हुए हैं, तो उनकी जगह अर्शदीप सिंह या शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है। और दोस्तों, अगर आपने जसप्रीत बुमराह को देखा होगा तो दूसरे ओडीआई में वो थोड़े दर्द में दिखे थे, परेशान दिखे थे, तो शायद यहाँ पर टीम रिस्क ना लेते हुए तीसरे ओडीआई में मोहम्मद सिराज को उनकी जगह खिलाए। हालांकि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट है तो हमें तीसरे ओडीआई में गेंदबाजी करते हुए जरूर से नजर आएंगे। तो कुछ इस तरीके से होगी तीसरे ओडीआई के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जहां पे सलामी बल्लेबाज के तौर पर होंगे कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन, 3 पर होंगे विराट कोहली, 4 पर सूर्य कुमार यादव, 5 पर ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाज, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर रविंद्र जाडेजा, 8 पर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह या शार्दुल ठाकुर, 9 पर जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज में से कोई एक, 10 पर मोहम्मद शमी और 11 पर यूजी चहल। कुछ इस तरीके से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होगी। बात करें इंग्लैंड की तो दोस्तों, इंग्लैंड की बल्लेबाजी पिछले दोनों ओडीआई में कुछ खास नहीं रही है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम ने दूसरा ओडीआई जीता है, तो शायद वो यहां पर सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी।
जहां पे सलामी बल्लेबाज के तौर पर होंगे जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो, तीन पर होंगे जो रूट, चार पर होंगे बेन स्टोक्स, पांच पर होंगे जोस बटलर कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज, छह पर होंगे लियम लिंगस्टोन, सात पर होंगे मोइन अली, आठ पर होंगे डेविड विली, नौ पर होंगे क्रेग ओवर्टन, दस पर होंगे ब्रायंडन कार्से और ग्यारह पर होंगे रिस टोपली। तो कुछ इस तरीके से हमें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन देखने को मिलेगी। दोस्तों इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन को लेकर जो भी कुछ अपडेट आएगी आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोस्तों ये दोनों टीम ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में अब तक कुल 105 बार आमने सामने आई है, जहाँ पे टीम इंडिया ने 56 मैच जीते हैं जबकि इंग्लैंड की टीम ने 44 मैच जीते हैं। तो अब देखना ये होगा कि तीसरे ओडीआई में कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहता है, कौन सी टीम सीरीज जीती है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी, आईपीएल से जुड़ी जो भी खबरें होगी आपको वहां पर भी सबसे पहले मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।